बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वज़ाइफ़ लाइब्रेरी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में दुनिया व आखरत के ख़जाने रखे हैं, लिहाजा हम आज की इस वीडियो में अपने देखने और सुनने वालों को कुरान ही से सूरतुल कौसर के एक ऐसे बेहतरीन और मुख्तसर से वजीफ़े में आपको बताएंगे कि आप ये वजीफ़ा करने के बाद बेशुमार खजाने हासिल कर पाएंगे और इस आसान अमल से आपकी नस्लें नेक, सहले और सेहतमंद पैदा होंगी। नाज़रीन कराम, आप हासिदीन जादू जनात से निजात के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। बड़े घर के लिए, शानदार गाड़ी के लिए आप ये अमल कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन की नाकामी के लिए, दुश्मन को जलीलो खार करने के लिए आप इस सूरह सूरतुल कौसर के अमल को, इसकी आखिरी आयात को ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। ये आयत वक्त की अशद ज़रूरत है। इस आयत से इंशाल्लाह आपके दुश्मन की हालत अबतर हो जाएगी। अजीज़ नाज़रीन कराम, और आपका बुरा चाहने वाले खुद ही निस्तो नबूद हो जाएंगे। आज हम अपने YouTube चैनल इस्लामिक वज़ाइफ़ लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म से ऐसा अमल बता रहे हैं जो लोग रिस्क रोज़गार की वजह से परेशान हैं, तो रोज़गार और दौलत की रील पील के लिए यह सूरत सूरतुल कौसर का वजीफ़ा लाजमी करें। अजीज़ नाज़रीन कराम, जिन अहबाब घर में रिस्क की तंगी, माशी तंगी, मुफलसी है, उनको चाहिए कि वो रिस्क में बरकत के लिए, घर में अमन व सकून के लिए सूरतुल कौसर का मुजर्रब अमल करें। ये अमल इस तरह है, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया शरीफ और सूरतुल कौसर को नमाज फजर के बाद मुसल्ले से उठने से पहले सिर्फ 21 बार लगातार 21 दिन तक पढ़ता है, तो अल्लाह पाक उसके रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाते हैं और उसका हर काम आसान हो जाता है और अल्लाह पाक गैब से उसकी मदद फरमाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि हम और हमारा ये पूरा प्लेटफॉर्म इस्लामिक वज़ाइफ़ लाइब्रेरी अपने मुसलमान भाइयों और बहनों और बाकी तमाम इंसानियत की फलाह व भलाई के लिए ही तमाम वीडियोस अपलोड करता है। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है, इसलिए हम अपने सुनने और देखने वाले तमाम भाइयों और बहनों से तवक्का करते हैं कि आप सब हमारे बताए गए तमाम वज़ाइफ़ को अपने सिर्फ जायज़ मकासद के लिए करें। इसके अलावा वजीफ़ा करने से पहले खुद को पाक साफ़ कर लें, यानी बावजू होकर ही ये अमल करें, और जितने दिन वजीफ़ा करें दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ें। वजीफ़े के दौरान मुकम्मल खुशू खुजू का ख्याल रखें और इसके अलावा वजीफ़े के तमाम आदाब और हकूक़ का ख्याल और लिहाज रखें और ये अमल सही तरीके से अदा करें। अगर आप इस वजीफ़ा को पूरे ध्यान, तवज्जो और एहतमाम के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा।